अस्सलाम वालेकुम। आप कह दूंगा कि इमरान खान के निकाह के हवाले से एक मौलाना साहब ने इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान का जो निकाह था वो इद्दत के दौरान हुआ है, और वो मौलाना साहब थे जो इमरान खान ने जिन्होंने जिनका निकाह जो है मतलब जिन मौलाना साहब ने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था बुशरा बीबी के साथ, उन्होंने इस्लामाबाद में एक मुकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की और बाद में कुछ रोज़ पहले उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तकनीकी गलतियाँ हैं लिहाजा वो दरख्वास्त वापस लेते हैं। अच्छा, इसकी बुनियाद पर तो काफ़ी लोगों को हैरत हुई कि आखिर में ये हुआ क्या। तो अब जो है वो कट्टा कट्टी खुल के सामने आ रहा है कि अब जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर है खावर मनी का, वो मैदान में कूद पड़े हैं, और साथ साथ जो है उससे पहले एक शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो एक बेस बनाई है इस बुनियाद पर कि किस तरह इमरान खान पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जमाल दिखाए कि किस तरह इमरान खान उनके घर में दखलंदाजी करते रहे, किस तरह इमरान खान ने उनका घर तोड़ा, तो मुख्तलिफ़ किस्म के संगीन किस्म के इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान पर आयद किए। अब इसमें केस में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मनिका ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने क्या मतन अख्तियार किया है ये मैं आपको एक दरख्वास्त का जो मतन है वो पढ़कर सुनाता हूँ कि इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैरशरी निकाह का ये मामला है, ये दरख्वास्त का मतन था, और जिसमें बुशरा बीबी के साबिक शोहर थे खावर मनिका, उनकी दरख्वास्त जो है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है वो मंजर आम पर आ गई है। खावर मनिका की जानब से इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, बुशरा बीबी और रियासत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि खावर मनिका की बुशरा बीबी के साथ जो शादी थी 1989 में हुई, इस्लामाबाद धरने के दौरान इमरान खान ने दखल अंदाजी शुरू कर दी, ये दरख्वास्त में कहा गया है। इमरान खान ने बुशरा बीबी की अमशीरा के जरिए जो है वो दखल अंदाजी जो है वो शुरू की। इमरान खान पीरी मुरीदी की आड़ में जो है वो घर आते रहे, साथ साथ उनका कहना है कि इमरान खान खावर मनिका की गैर मौजूदगी में भी घर आते रहे। इमरान खान कई घंटे खावर मनिका के घर में मौजूद रहते हैं, जो कि गैर अखलाकी गैर इस्लामी है, दरख्वास्त में ये कहा गया है। फिर कहा गया कि वक्त के साथ साथ इमरान खान ने खावर मनिका की इज्तवाजी जिंदगी में भी दखलंदाजी शुरू कर दी है। खावर मनिका ने इमरान खान को बेइज्जत करके घर से भी निकाला, लेकिन वो बेशरम साबित हुए, ये कहा गया है कि खावर मनिका ने इमरान खान को पहले कहा था नौकरों के जरिए निकाला, फिर आज कहा है कि वो बेशरम करके निकाला, लेकिन वो बेशरम साबित हुए। खावर मनिका ने इमरान खान को दोस्त जुल्फी बुखारी के हमरा कई बार अपने कमरे में अकेला पाया। बुशरा बीबी ने इमरान खान के घर खावर मनिका की मर्जी के बगैर जाना शुरू कर दिया। खावर मनिका ने बुशरा बीबी को रोकने की कोशिश भी की, जिसके नतीजे में तरफ़लामी भी हुई। फिर दरख्वास्त में कहा गया कि बुशरा बीबी ने कई घंटे इमरान खान के घर में क्याम करना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी को फरा गोगी ने खुफिया सिम और फोन काम कर रखा था। इमरान खान बुशरा बीबी को उनके खुफिया फोन पर रात देर औकात रब्ता किया करते थे। मुलाजम लतीफ़ ने आगाह किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान नाजायज तलाकात पैदा हो चुके हैं। खावर मनिका ने बच्चों खानदान की खातर मामलात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। खावर मनिका ने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को फरवरी से कबल दोबारा रुजू करने की गर्ज से तलाक दी। इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान इद्दत के दौरान कबल अज़ वक्त निकाह ने खावर मनिका के मनसूबे पर पानी फेर दिया। एक माह की खामोशी के बाद फराह गोगी की तरफ से खावर मनिका को तलाक की तारीख तब्दील करने पर आमादा किया जाने लगा। दरख्वास्त में यह कहा गया, साथ साथ कहा गया खावर मनिका ने तलाक की तारीख तब्दील करने से इनकार किया, फिर भी इमरान खान और बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया। बुशरा बीबी के मुताबिक इमरान खान से निकाह की तारीख 1 जनवरी 2018 एक पेश गोई के नतीजा थी। इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान निकाह कानूनी ना ही इस्लामी था, ये दरख्वास्त में कहा गया। फिर कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया, तलकात भी कायम कर लिए। इद्दत के दौरान निकाह की बातें मंजर आम पर आने के बाद दोनों ने फरवरी 2018 में एक और निकाह किया। दोबारा निकाह इस वक्त बात को साबित करता है कि 1 जनवरी निकाह गैर कानूनी और धोखेबाजी पर मुमनी था। इमरान खान ने गैर अखलाकी मकासद के असूल के लिए खावर मनिका की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो है वो मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने कहा कि जिना का इरतकाब किया, लिहाजा उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 बी का इतलाक होता है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी जानते बूझते शादी के रिश्ते से मुंसलिक रहे कि उनका निकाह कानूनी नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी बनी गाला में रहश पजीर है और जना का इंतकाब करते रहे। इस्लामाबाद में उतरा, इस्लामाबाद में जुर्म का इंतकाब हुआ, लिहाजा इस पर इस्लामाबाद की अदालत का दायरा अख्तियार बनता है। इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त में खावर मनिका मुफ्ती सईद ओन चौधरी मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ को गवाह बनाया गया। दरख्वास्त के साथ खावर मनिका और बुशरा बीबी का निकाहनामा, इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाहनामा भी मुंसलिक किया गया। दरख्वास्त के साथ खावर मनिका और बुशरा बीबी का तलाकनामा भी मुंसलिक किया गया।
तो आज जो दरख्वास्त मंजर आपके आई है ये उसी का शख्साना है कि जो शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में खावर मनिका ने इल्ज़ाम लगाए थे कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो है वो घर आते रहे, फिर इमरान खान ने मिश्रा बीबी को गैर जो है वो कानून एक सिम लेके रखी थी, खुफिया नंबर पर वो बातचीत करते थे, काफ़ी एक दूसरे के कमरे में कैम पजी रहते थे, और फिर जनाब जी उन्होंने कहा कि इद्दत के दौरान उनका निकाह हुआ और इमरान खान ने 2014 के धरने के दौरान उनके घर में दखल अंदाजी शुरू कर दी। तो ये वो इल्ज़ाम है जो शाज़िब खानज़ादे के प्रोग्राम में उन्होंने बेस बना के दिए थे। तो आज जो है वो एक मज़ीद इसमें ये डेवलपमेंट आई है कि एक साबिक शोर अपनी बेगम के खिलाफ जो है वो मैदान में कूद पड़ा है और संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। एक और इमरान खान की किरदार पेशी करने की कोशिश की है चंद दिनों में, चंद इसी हफ्ते के दौरान इमरान खान की कई बार किरदार पेशी करने की कोशिश की गई है। पहले खावर मनी का शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में, फिर कल हाजरा खान की किताब थी उसमें की गई, और आज फिर खावर मनी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। तो इमरान खान की किरदार पेशी जो है वो भरपूर तरीके से जारी है और इस दफ़ा मुशा बीबी के साबिक शोर जो है वो जो है मैदान में आए हैं, और ये एक टीज़ करने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स जेल में कैद है और उसको, क्योंकि बीवी जो होता है सतर्क पोशी होती है, उसकी सबसे जो है क्लोजेस्ट रिश्ता जो है बेगम का, उसके ज़रिए उसको टारगेट किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि गिरी हुई हरकत है, इसे किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसका भी मंतकी अंजाम मज़ार ऐसा लग रहा है जो माजी के मुकदमों का हुआ कि वो रद्दी की टोकरी में चली गई, तो इसका भी अंजाम वही लगता है। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान की किरदार कोशी जो है वो भरपूर तरीके से की जा रही है, लेकिन अवाम में जो है वो उसकी सपोर्ट ख़त्म नहीं की जा सकती। उसका आप हाल ही में देख सकते हैं कि इमरान खान का एक वकील है शेरफ़ मरवत, वो जब कन्वेंशन में जाता है तो किस तरह लोग जो है वो धड़ाधड़ उस कन्वेंशन में शिरकत करते हैं और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।